प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जो आदर प्यार मुझको आप लोग दे रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे प्रोग्राम को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी प्रयास है कि आपको प्रतिदिन एक नया ज्ञान, एक अच्छा जानकारी कुंडली के बारे में। अभी तक जैसा कि आपको मालूम है कि गुरु ग्रह एक राजा ग्रह, ये मनुष्य को रंग से राजा बना देता है, प्रतिष्ठा बनाता है, समाज में रहने की कला सिखाता है। परंतु गुरु किन किन भाव में राजा से रंग बना देता है, ये आज तक आप लोग को जानकारी नहीं होगी। तो मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से बतलाने जा रहा हूँ कि कुंडली के किन किन भाव में गुरु राजा से रंग बनाता है। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है, ऐसे लोग प्रयास करते हैं, सफल नहीं होते हैं। कभी ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होते हैं, हमेशा तनाव में इनका जीवन रहता है। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है, ऐसे लोग के माता पिता के या तो विचारों से मतभेद रहता है या सुख नहीं पाते हैं, उनके दिए हुए जमीन जायदाद को बर्बाद करते हैं या उनके दी हुई जमीन जायदाद आसानी से नहीं मिलता, केस मुकदमा लड़ना पड़ता है और इनका जीवन संघर्ष में रहता है। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में गुरु बैठा हुआ है, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, केस मुकदमा से परेशान रहते हैं। केस मुकदमा के चलते कभी कभी इनको जेल की जाने की संभावना भी बनती है और बिना वजह अपमानित होते हैं और दुश्मनों के चलते इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद होती है। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में गुरु बैठा हुआ है, ऐसे लोग दाम्पत्य जीवन इनका सुखदायी नहीं होता है, इच्छा अनुसार जो है नौकरी नहीं पाते हैं, इच्छा अनुसार शादी इनकी नहीं होती है, विवादों में इनका जीवन व्यतीत होता है कि हो सकता है दाम्पत्य जीवन में केस मुकदमा लड़ना पड़े, तलाक तक की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में गुरु बैठा हुआ है, आपको जैसा जानकारी है दसवां भाव भाग्य घर होता है, लाभ घर होता है, उसमें गुरु नीच का हो जाता है। दसवें घर का गुरु नौकरी में सस्पेंड करा देता है, व्यापार में घाटा दिलवा देता है, कर्जदार बना देता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद करता है, आपके मानसिक पीड़ा में होते हैं, परिश्रम कितना हूं करें उसका लाभ नहीं मिलने देता है, जीवन ऐसे लोगों का सफल नहीं होता है, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा, कर्जा कर्जे के कारण ये इनका जीवन हीरो से जीरो बन जाता है। ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में आप फोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल दूंगा। और कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ शुल्क देना होगा, मेरे फ़ोन पर पूछ लीजिएगा। मैं फ़ोन नंबर आप लोग को बता देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।